लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है, अच्छा नहीं पता, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ कि आपका ये जो भाई है ये छोटा मोटा साइंटिस्ट है। यस गाइस, आई एम अ लिटिल बिट ऑफ साइंटिस्ट। तो भाई सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर फेस कैम क्यों नहीं है। तो भाई उसके पीछे रीजन ये है कि मेरी जो खूबसूरत सी टिंट थी उसके अंदर जुएं पड़ गई, तो फिर मुझे दोबारा टिंट करवानी पड़ी। तो भाई अब आप लोग ये सोचे होंगे कि भाई जुएं तो बालों में पड़ती हैं और टिंट पे तो पहले ही बाल नहीं होते, तो फिर टिंट पे जुएं कैसे पड़ गई? भाई मुझे नहीं पता, बस पड़ गई। आई डू नॉट हैव एनी फ्रिकिंग आइडिया। तो इसलिए फेस कैम नहीं है। शायद नेक्स्ट वीडियो तक बाल आ जाए तो भाई नेक्स्ट वीडियो में फेस कैम कर लेंगे। लेकिन 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 मैं आपको बता रहा था कि भाई मैं एक छोटा मोटा साइंटिस्ट हूं। तो भाई मैंने क्या किया, मैं गया अपनी लेबोरेटरी के अंदर। अबे यार ये पिग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? अच्छा इसको कैरेट खिलाते हैं और इसे जान छुड़वाते हैं। तो भाई मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं गया अपनी लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। ओके, यहां पे नीचे मैं गिर चुका हूं। तो लेबोरेटरी के अंदर जाके मैंने जो है एक ऐसा सूट बनाया जिसकी मदद से मैं अंडर वाटर फिर सकता हूं। आप लोगों को यकीन नहीं होता, ठहरो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो भैया ये है वो सूट जिसकी मैं बात कर रहा था। यकीन करो ये सूट बनाना आसान नहीं था, मुझे बड़े बड़े केमिकल मिक्स करने पड़े, बड़े बड़े ऐसी चीजें यूज करनी पड़ी जिनको मैं कभी यूज नहीं करता, लेकिन ये सूट अब तैयार हो चुका है। तो भाई अब हम इसको पानी में लेकर जाएंगे और इसको टेस्ट करेंगे। यस लेट्स गो। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब थैंक यू हो रही है भाई। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस टाइम पानी के नीचे हैं, लेकिन हमें डैमेज नहीं हो रहा। हमारी ये जो सांस वाली ये जो चीज होती है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, इसको सांस बार कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं, ये कम नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम अंडर वाटर चिल कर सकते हैं ऐसे करके, और कोई हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये बेबी लेट्स गो। चेक करो अपने भाई को, कितना क्यूट लग रहा है भाई अंडर वाटर। भाई साहब चेक करो कैसे शशके हैं आपके भाई के। तो भाई जब से मैं छोटा बच्चा था तब से मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, मैं पानी के नीचे जाना चाहता था। नहीं नहीं, मैं मछली नहीं था लेकिन मैं पानी के नीचे जाना चाहता। तो भाई हमारे यहाँ पर पानी के नीचे जाने के लिए या तो आप किसी नलके के नीचे बैठ सकते हो या फिर किसी स्विमिंग पूल में जाके नहा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा हमेशा से भाई आपका जो है समंदर में नहाना चाहता था, और आज मेरी ये ख्वाहिश हो चुकी है पूरी। और भाई ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसा फील हो रहा है, यकीन करो भाई बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। और भाई सबसे अच्छी बात बताओ क्या है, हम लोग हर तरह का जो अंडर वाटर क्रीचर है उसके साथ मजे कर सकते हैं, मतलब उसको छेड़ छूट सकते हैं, उसके साथ चिल फन कर सकते हैं, और हम लोगों को कोई रोकने वाला है ही नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ फिर रहा था। अबे ये देखो मछलियां। अब ये जो मछलियां हैं, अगर हम लोग सादी माइनक्राफ्ट खेल रहे होते हम इन मछलियों को कभी देख भी ना पाते, लेकिन इसका सलूशन आपके भाई ने निकाला है। तो अगर आप लोग भी यस अगर आप लोग भी अपने भाई की तरह क्यूट और खूबसूरत लगना चाहते हो तो भाई इस वीडियो को लाइक करो और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ तो आप लोगों का इस वाले सूट के मॉड का लिंक मिल जाएगा। मॉड का लिंक नहीं, सॉरी सूट का लिंक मिल जाएगा। मॉड मैंने खुद बनाया है, सही बात है, सच्ची बात है, लैब के अंदर बनाया है। झूठ नहीं मैं बोल रहा, मैं अच्छा बच्चा हूँ, झूठ नहीं बोलता, लैब में बनाया मैंने, ठीक है। तो भाई जाके वो चेकआउट कर लो। तो भाई अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं हम और क्या क्या ढूंढ सकते हैं इस समंदर के अंदर। भैया एक मसला आ रहा था, मसला ये था कि भाई अंधेरा था नीचे, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने जो है वो अपने हाथ के अंदर टॉर्च पकड़ लिया। तो क्योंकि मैं ऑप्टिफाइन के अंदर खेल रहा हूँ इसलिए अब मैं इस टॉर्च को यूज करके कहीं भी देख सकता हूँ। भैया अबे मेरे पीछे ड्राउंड आ रहा है। ओ भाई अभी भी हमला करते हैं क्या? अबे ड्राउंड मैं तुम्हारी बरादरी का हूँ यार। अबे देख मैंने तेरी जैसी स्किन वाला सूट पहना हुआ यार, अब तो कुछ ना कह। अबे कुछ ना कह, अच्छा कुछ नहीं कहता, ठीक है। तो भाई मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि अंडर वाटर टॉर्च जो है ये कैसे जल सकती है। हम लोग लगा भी सकते हैं क्या इसको? अरे मैंने लगाई और बुझ गई। अबे मेरी रोशनी गई, मुझे भागना पड़ेगा भाई, रोशनी इज गॉन। भाई साहब ये चेक करो, पता नहीं ये क्या चीज है भाई, मुझे कोई स्ट्रक्चर मिला है यहाँ पर, मुझे लगता है ये किसी एशियन सिविलाइजेशन का था भाई, अमेजोनियंस या फिर एंटलैटियंस, पता नहीं क्या होता है यार, वो रहते थे शायद यहाँ पर। तो भाई उनके ये बच्चे कुछ चीजें रह गई हैं, बाकी तो सारे के सारे जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं हम लोग को शायद और भी कोई मजे की चीज मिले। ओ भाई मजे की चीज तो कोई नहीं मिली, लेकिन भाईजान ये ड्राउंड मिल गया। भाईजान इसने ट्राइडेंट उठाया हुआ हाथ में और ये हमें मारी जा रहा है। तो भाई एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि हमारा ये जो सूट है ये टूट भी सकता है, अगर हमारे हेलमेट के ऊपर कोई चीज लग गई तो भाई ये टूट जाए। ओ भाई अंडर वाटर रवीन। ओ भाई साहब चेक करो, आपके भाई ने अंडर वाटर रवीन ढूंढ ली है। खैर मुझे एक नई टॉर्च बनानी पड़ेगी इस मैग्मा को यूज करके, कैसे? बिकॉज आई एम अ फ्रिकिंग साइंटिस्ट। तो भाई मैंने टॉर्च बना ली है, ये मत पूछना कैसे बनाई है भाई, बताया तो है साइंटिस्ट हूँ। अच्छा तो भाई ये चेक करो, यहाँ पर भाईजान आयरन भी है। तो मुझे नहीं पता था कि भाई अंडर वाटर आयरन भी मिलता है, आप लोगों को पता था क्या? अगर पता था तो बताओ, झूठ नहीं बोलना, सच सच बताना है, मुझे नहीं पता था कि अंडर वाटर आयरन मिलता है। तो भाई अब इधर देखते हैं क्या सीन है। अबे कोल भी है। ओ भाई साहब अंडर वाटर तो कोल भी मौजूद है, अबे घास भी है। वाह भाई वाह, मजा आ गया, मैं तो कहता हूँ अरे वाह। ओ भाई ये चेक करो, आई फाउंड द कूलेस्ट थिंग एवर। ये चेक करो भाई, ये एयर पॉकेट वाली वो सुरंग है, मतलब यहाँ पर भाई हवा है, लेकिन अभी हम लोगों को हवा की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके भाई का ये स्मार्ट ब्रेन हर चीज में मदद करता है, तो इसलिए आपका भाई अब
बगैर हवा के जिंदा रह सकते हैं। कैसे? बिकॉज आई एम अ फ्रीकिंग जीनियस। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। आई एम अ जीनियस मैन। ओके, अब देखते हैं हम और क्या क्या ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। भाई ये ट्राइडेंट वाला चाचा फिर आ गया। भाई ट्राइडेंट वाले मेरी जान छोड़ दे, खुदा का नाम है यार, तुझे खुदा का वास्ता, तुझे तेरे ड्राउंड भाई का वास्ता। अबे छोड़ दिया जान उसने, ड्राउंड भाई का वास्ता लिया इसने। ओ भाई यहाँ पर और ड्राउंड फिर रहे हैं भाई, लेट्स गेट द फ्रीकिंग हेल आउट ऑफ हियर। भाई साहब वो जो सुरंग है ना, 100% इस सुरंग के अंदर मुझे कोई एपिक चीज मिलने वाली है भाई। ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एपिक मिलेगा। व्हाट? कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे। फीलिंग गंदी, फीलिंग गंदी, फीलिंग बनाना की सिक्स सेंस फारग है, फारग हैशटैग सिक्स सेंस इज फारग। ओ भाई साहब चेक करो, एक शिपरेक मिला है भाई साहब। टाइटैनिक का मलबा हम लोगों ने दरियाफ्त कर लिया, कोई बंदा जाके डिस्कवरी चैनल वालों को बता दे। तो भाई ये है पहला चेस्टर है भाई, एमरल्ड, 6 एमरल्ड्स और उसके बाद 9 गोल्ड, सॉरी आयरन, और लैपस भी पड़ा हुआ है भाई। लैपस की हम लोगों को जरूरत तो है नहीं, हम लोगों को असल में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमीर हैं। और छोटे मोटे अमीरी की बात नहीं कर रहा मैं, अच्छी वाली अमीरी की बात कर रहा हूँ। लाइक टोनी स्टार्क वाला सिस्टम है भाई अपना, फुल टोनी स्टार्क बैटमैन ब्रूस वेन वाला चक्कर है। तो भाई एक और भी चेस्ट होगा यहाँ पे, देखते हैं। हाँ, एक और चेस्ट मिल चुका है। ओके, गलती से मैंने अपनी टॉर्च फिर से खो दी थी, लेकिन भाई इस दफा रिकवर कर ली है। ओके, इसमें क्या है, इसमें क्या है? ओके, तो भाई इसके अंदर ट्रेजर मैप है और ढेर सारा पापड़ है, पेपर है, सॉरी पापड़ नहीं है, पेपर है, और ढेर सारे फेदर्स हैं। हम लोग इसको क्या करेंगे भाई, फजूल चीजें हैं भाई। लेट्स सी हम लोगों को यहाँ पर और क्या मिलता है। ओशियन मॉन्यूमेंट मिल जाए अगर तो चेसी आ जाए। ओ भाई साहब ये कलाकारी चेक करो भाई, माइनक्राफ्ट की कलाकारी चेक करो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा टॉवर है और इस टॉवर के ऊपर परफेक्टली तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा साइड पे जो है ग्रास लगी हुई है भाई, बहुत फिट लग रहा है भाई। मैं इसके ऊपर खड़ा होकर देखना चाहता हूँ कैसी फीलिंग आती है। ओके, अब देखते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ। अबे भाई मैं तो एकदम छक्कू लग रहा हूँ भाई, मैं नहीं खड़ा हो रहा है यहाँ पे। लेट्स गेट द हेल आउट ऑफ हियर। भाई साहब यहाँ पे तो पूरा जंगल बना हुआ है भाई, इतने बड़े बड़े यहाँ पर ये है, इनको पता नहीं क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं मुझे जानना है। इनको कल्प कहते हैं, इनको कल्प ट्रीज कहते हैं, मुझे नहीं पता इनको क्या कहते हैं। आज से इनको कल्प ट्रीज कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि ये बनाना का हुक्म है और जो बनाना हुक्म करता है उसकी सबको तामील करनी पड़ती है, बिकॉज बनाना इज द किंग। ओ भाई साहब यकीन करो, कसम वाली बात है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि भाई अंडर वाटर भी जो है वो रूइन नेदर पोर्टल मिलते हैं। अल्लाह की कसम, सही बात है, नहीं पता था कि भाई अंडर वाटर भी जो है वो रूइन नेदर पोर्टल मिलते हैं। ओके, अबे चेस्ट प्लेट पड़ी, अबे तू क्यों मार रहा है भाई? अबे ट्राइडेंट वाले भाई तुझे वास्ता दिया था ना भाई, आई डोंट वांट टू डाई, मैं मरना नहीं चाहता भाई, मैं मरना नहीं चाहता। एक मिनट। ओ भाई साहब हम लोग क्या बेड लगा के सो सकते हैं अंडर वाटर? मुझे नहीं पता, आप लोगों को बताओ। अगर कोई सोचता है मेरी उर्दू को क्या हो गया भाई, अगर कोई सोचता है कि हम लोग बेड लगा के सो सकते हैं वो भी अंडर वाटर, तो भाई कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, अगर नहीं तब भी बताएं। ओ भाई साहब एक और अंडर वाटर रवीन मिली है, ये पता नहीं कहाँ तक जाती है भाई, ये ऑब्सीडियन तक जाती है भाई साहब। लेट्स सी कि हम लोग डायमंड्स ढूंढ सकते हैं क्या यहाँ पे, बिकॉज लेकिन यार ये इतनी नीचे जाती नहीं है यार, ये डायमंड लेवल्स तक जाती नहीं है, और अगर ये डायमंड लेवल्स तक जाती होती तो 100% हम लोगों को अंडर वाटर डायमंड्स मिलने थे। हम माइनक्राफ्ट के इतिहास के पहले प्लेयर होते जिन्होंने अंडर वाटर डायमंड्स ढूंढे हैं। अगर किसी ने पहले ढूंढे हैं तो मुझे नहीं पता भाई, कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताओ किसी ने पहले के अंडर वाटर डायमंड्स ढूंढे हैं क्या, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ढूंढे होंगे। अबे चल छुट्टी कर। ओ भाई साहब मुश्किल से बचे भाई, अब यहाँ पर लुढ़कने वाला था आपका भाई, खत्म होने वाला था सारा। अबे मेरा हेलमेट गया, ओ भाई मेरा हेलमेट गया, आई एम डाइंग। ओ माय गॉड मेरा हेलमेट टूट गया। मैंने आपको कहा था ना कि अगर मेरे सर के ऊपर लगेगा तो, लेकिन मसला कोई नहीं है, हम लोग पानी पे चल सकते हैं। देखो भाई आप लोग मुझे बताओ, आप में से कोई चल सकता है क्या पानी पे? नहीं चल सकता, सिर्फ बनाना कैन वॉक ऑन वाटर, ओनली द बनाना, द लेजेंडरी बनाना, द वन एंड ओनली किंग बनाना। क्राउन मी, गिव मी अ फ्रीकिंग क्राउन, गेट माई क्राउन, BITCH, Only the banana can walk on water. Let's go, baby. अबे भाई तू ट्राइडेंट मार रहा है, ठहर, तू मार ले, तू आजा, तू मार ले। अगर तेरा एक निशाना लग गया ना तो मैं अपने आप को लेजेंडरी प्लेयर नहीं कहूंगा, बिकॉज मेरा भाईजान मूवमेंट बहुत अच्छी है भाई। मैं छोटे होते कैदी बहुत खेलता था भाई, डॉज बॉल बहुत खेला, तू मुझे नहीं मार सकता, तू जो करना है कर ले, तू मुझे नहीं मार सकता। मैं आंखें बाप भाई सॉरी, अबे माजरत, अबे गॉड भाई, मेरी इन्वेंशन की प्रॉपर तरह से बैंड बच चुकी है भाई, मुझे नया सूट दरियाफ्त करना पड़ेगा, कहीं से आगे पीछे कहीं पड़ा होगा, शायद कोई नया सूट मैं दोबारा बना लूं। तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट अगर अभी तक नहीं किया तो कर लो। देखो ऐसा कोई बंदा है जिसने अंडर वाटर सूट बनाया, सिर्फ आपका भाई ही इस काबिल है, जो कि इतना बड़ा साइंटिस्ट है जो कि जाके अंडर वाटर सूट बना सकता है। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, इस बात पे सब्सक्राइब तो बनता है भाई, बड़ी मेहनत से सूट बना भाई, बहुत खून पसीना लगा है यार, सोचा करो, समझा करो। तो भाई स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, एंड बाय।